हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब देश में अग्निपथ सेवा के तहत ही अगला बहाली होगी और जो लोग इस सेवा में आएंगे उन्हें 4 साल तक का इसमें जॉब दिया जाएगा और तमाम जो फैसिलिटी है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इसको देख करके आर्मी की तैयारी करने वाले सारे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और वो लोग कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में और जानते हैं अग्निपथ के और इस स्कीम के तहत क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, कै साल का जॉब होगा और हर साल के हिसाब से आपको कितना कितना पैसा दिया जाएगा और रिटायरमेंट की भी बात हो रही है तो उस समय आपको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी जानकारी हम नोट करके लाए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं और किस चीज़ के लेकर के इतना युवाओं में आक्रोश है और क्यों वो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, तो कल सरकार यह सूचना दी, दो बड़ी सूचनाएँ दी कि 18 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और साथ में अग्निपथ स्कीम के तहत ही अब सेना में युवाओं को चयनित किया जाएगा और तीनों सेनाओं में और सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा और 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवाओं को आवेदन कर सकते हैं और मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन किया जाएगा। जिस तरह की पहले होता था उसी तरह से 10वीं पास जो करके अग्निवीर आएंगे उन्हें बारहवीं की सर्टिफिकेट देने के लिए सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। मतलब कि आप जब यहाँ से 10th पर जाएंगे तो वहीं पर आपको 12वीं की एग्ज़ाम लेकर के वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऐसी होगी सैलरी स्ट्रक्चर, तो आपको इस तरह से देखिए पहले साल में आपको 4.76 लाख दिया जाएगा पहले साल और चौथे साल में आपको दिया जाएगा 6.92 लाख तक हो जाएंगे, ठीक ना। और स्कीम को कठिन के आधार पर बाकी अलाउंस मिलते रहेंगे और रिस्क और कठिन और अभी भी जब कहीं कहीं खतरे वाले जोन होते हैं वहाँ पर और कहीं जो नॉर्मल जोन होते हैं तो उन दोनों के लोगों के सैलरी में डिफरेंस होता है, उसी तरह से होगा जहाँ रिस्क वाले और कठिन वाले जोन होंगे वहाँ पर सैलरी अलाउंस अधिक मिलेंगे और सैलरी में से 30% जो है ना हर साल काट लिया जाएगा और ये सरकार अपने खाते में रख लेंगी और इसे जमा करके और जितना होगा उस सब के ब्याज व्याज जोड़ के उतना ही सरकार डाल के आपको रिटायरी के समय देंगी, जो 4 साल पूरा होने के बाद 11.71 लाख मतलब 11,71,000 यहाँ पर लिखना चाहिए था, तो 1.7 लाख रुपये, हाँ 1.7 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें इनका टैक्स भी छूट मिलेगा और जो ये 11-12 लाख रुपये मिलेगा इस पर आपको टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। डेथ नियम क्या है, अगर आप सेवा में हैं 4 साल के लिए अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और बाकी बचे ट्रीटमेंट मतलब बाकी जो सैलरी टर्म का बचा होगा सैलरी वो आपको पूरा सैलरी दिया जाएगा। अगर आप मतलब किसी हिसाब से विकलांग हो जाते हैं तो आपको 44 लाख रुपये तक मिलता है विकलांगता, मतलब उसमें अगर सर वो मेडिकल वाले जो बताएंगे कि आप कितना परसेंट डैमेज है उतना ही परसेंट आपको पैसा दिया जाएगा। सेवानिधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी और इसमें भी आपको पूरी सैलरी दी जाएगी बच्चों के टर्न का। आगे देखिए ई साल दर साल आपको कितना रुपया दिया जाएगा और कितना सरकार रख लेगी इसका स्ट्रक्चर है, तो पहले साल आपको 30,000 का वेतन मिलेगा, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 मिलेगा और इसमें से देखिए आपके हैंड पे मतलब आपके खाते में 21,000, 23,000, 25,580 और 28,000 रुपया आएंगे और सरकार सब में से 25% आपका काट लेगी, तो 9,000, 9,990, 10,950, 12,000 ये कुल अगर यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 5.2 लाख रुपया हो रहा है और सरकार अपने खाते से 5.2 लाख रुपया जमा करेगी और जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद उस समय आपको रिटायरी के रूप में 11,71,000 सेवानिधि पैकेज के तहत दे दिया जाएगा ब्याज सही जोड़ के। और देखिए युवा लोगों का मतलब आक्रोश किस लिए है कि वो इस तरह से करें, तो जो युवा आज से 2 साल पहले आर्मी में मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई किए थे उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को 2 साल से मूर्ख बना के रखा गया है, कई साल से एडमिट कार्ड हम लोगों को दे दिया गया कई बार लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया और अब कहा जा रहा है कि जो मेडिकल और फिजिकल वो लोग पास किए थे उनका अब कोई मान्यता नहीं है, उन्हें फिर से इस स्कीम के तहत आना होगा, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे एयरफोर्स का रिजल्ट भी अब नहीं आएगा, सबका इस स्कीम के तहत 4 साल के लिए वैकेंसी में इन लोगों को लिया जाएगा, इनको पूरा तरह से कैंसिल। युवाओं का कहना है कि हम 2 साल से एकेडमी में रख के तैयारी कर रहे थे, मेरा 2 से 3 लाख रुपया लॉस हो गया और बाद में पता चल रहा है कि अब हम लोगों को फिर से चयनित किया जाएगा वो भी 4 साल के लिए, इसलिए युवा सड़क पर उतर रहे हैं और इतने आक्रोश में है। देखिए ओवर एज हो गए हैं उन्हें कोई छूट नहीं दिया जा रहा था, हालांकि कल बच्चों के काफ़ी युवाओं द्वारा और आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे जो थे सब मिल करके प्रदर्शन किए तो उम्र में जो है कि छूट दिया गया, हम उसका क्लिप तो नहीं लेके आ पाए हैं लेकिन देर रात को सरकार ने ट्वीट करके बताया कि इस साल भर केवल 21 से 17.5 से 23 साल उनकी उम्र रहेगी और बहुत से बच्चे हैं जो डीमोटिवेट होकर के गलत कदम उठा रहे हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा ये मोटिवेट कोड लेकर आया हूँ। तो इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह है जिसका हृदय भी टूटा सपना भी टूटा अपने भी टूटे फिर भी वो कहे कि सब ठीक है, मतलब कि एक जो आर्मी का तैयारी करने वाला बंदा होता है वो ना जाने बहुत सारे स्ट्रगल से उन्हें गुजरना पड़ता है, कई सारे ऑप्टिकल जो काफ़ी डेंजर ऑप्टिकल को पार करना पड़ता है, इतने सारे मजबूरी मेहनत और दुख को सह करके वो एक फौजी बनते हैं और आप लोग एक छोटा सा सरकार ने इस तरह से कर दिया एक योजना को लेकर के आप लोग अपनी जान दे रहे हैं, इस तरह से नहीं कीजिए, हम आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के कदम ना उठाएं, आप अपने माता पिता के बारे में सोचें कैसा लगेगा उनको
जो अपने ही बच्चे के वो कंधों पे उठाएंगे और पर्थी उठाएंगे, कितना बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग इस तरह के कदम ना उठाएं। अगर गलत है, सरकार ने गलती की है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, सरकार जरूर इसमें सुधार करेगी। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर कल होके मान के सब लोग बच्चा लोग जो कर रहा है, कल होके सरकार सुधार दे, अगर आप ही नहीं रहिएगा तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए सेफ रहें और इस तरह के कदम ना उठाएं। और देखिए आगे, केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट। तो कई अथी करने के बाद बताया गया कि CAPF, असम राइफल, इस समय उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके बारे में। और आप लोगों का क्या राय है इस अग्निपथ को लेकर के, आप लोग क्या सोच रहे हैं? और इसके बारे में आप लोग कमेंट कर बताइए कि आप लोगों का क्या विचार है इस पर। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर के। तो आप लोग का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह के वीडियोज़